दोस्तों आप सभी से नमस्कार। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। हम जिला परिषद और पंचायत चुनाव की कवरेज कर रहे हैं। अभी हम छायसा गांव में हैं और यहां पर वार्ड 7 के जिला परिषद के उम्मीदवार पिंटू भाटी का कार्यालय है। हम आपको दिखाते हैं यहां पर कैसा चुनावी माहौल है और पिंटू भाटी को कैसा समर्थन मिल रहा है। तो देखिए, पिंटू भाटी का प्रचार वाहन प्रचार के लिए निकलने को तैयार है। तो कार्यालय पर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी गतिविधियां होती हैं, वहां पर पता चल जाता है किस प्रकार की रौनक है, किस प्रकार ये लोग कैंपेन करते हैं। और कैंपेन पर निकलने से पहले अच्छी खासी तैयारी होती है, कई गाड़ियों का काफिला इनके साथ निकलता है, तो बहुत तैयारी करनी पड़ती है। अभी हम इनके कार्यालय पर पहुँचने वाले हैं। आप लोग देख रहे हैं बोर्ड वगैरह लगा पड़ा है। पिंटू भाटी, देखिए कार्यालय है जिला परिषद वार्ड नंबर 7। और यहाँ पर ये लोग इकट्ठे होते हैं, खाना पीना खाते हैं, चाय पानी पीते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद प्रचार के लिए निकलते हैं। तो हम बातचीत करेंगे पिंटू भाटी से। देखिए खड़े हो गए हैं और इनके सपोर्टर भी खड़े हो गए हैं, पूरी इनकी टीम है। जब प्रचार के लिए निकलती है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और कई गाँव आते हैं जिला परिषद के एरिया में, तो हर गाँव में जाते हैं। फिलहाल अपने कार्यालय पर हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। तैयार हैं प्रचार पर निकलने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा। सबसे पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप बताइए कहाँ कहाँ प्रचार कर लिए, कब प्रचार पर निकलते हैं, जनता से क्या कहते हैं, वोट कैसे मांगते हैं, समर्थन कैसे मांगते हैं, बताइए थोड़ा सा। मैं लगभग 2-2.5 साल से जनता के बीच में, इसी चुनाव को लेकर जनता के बीच में हूँ। मैं 2-2.5 साल से कभी रुका नहीं हूँ। रेगुलर मेरा हर गांव में प्रचार चलता रहता है। कहीं भी कोई दुख हो सुख हो, मैं सब में अपने वार्ड वासियों के साथ हमेशा लगा रहता हूँ। उसी का आज मुझे फायदा है और उसी का आज मुझे इतना सम्मान मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है कि लोग मुझे बिल्कुल अब कह देते हैं कि भाई बेशक आने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। उसी प्यार और उसी सम्मान की वजह से आज मैं अपने इस कार्य में सफल होने का पूर्ण आपको वो आश्वस्त करता हूँ कि पूर्ण रूप से मैं अपने कार्य में सफल होऊंगा। अभी तो हम छायसा गांव में, और ये सबसे बड़ा गांव है, बहुत ज़्यादा आबादी है, और भी बहुत सारे गाँव हैं। सबसे पहले आपके गाँव में कैसा माहौल है? गाँव में बहुत अच्छा माहौल है, प्यार है, युवा साथियों का भी। आप युवा साथी मेरे साथ हैं, आप देख लो, और उधर बुजुर्ग बैठे हैं, बुजुर्गों का भी पूरा प्यार मान सम्मान मुझे मिल रहा है। सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। जितना प्यार मुझे मेरा गांव दे रहा है, उतना ही प्यार मुझे सारे वार्ड में जितने भी गांव हैं, सभी गांवों से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस और बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। नहीं, गांव में बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हैं, नहीं वोट तो कट जाएंगे ना आपके? ऐसा कुछ नहीं है, गांव बहुत बुद्धिजीवियों का गांव है, बहुत सोच समझ के। आजकल देखो फेसबुक का और न्यूज़ का, आपका सबका जो है जमाना चल रहा है, उसमें सब पता कर लेते हैं। मोबाइल का जमाना है, सब पता करते हैं। सारे जितने भी गांव हैं, सब हमारे लगते हुए गांव हैं, गांव से रिलेटेड गांव हैं, और सब में हमारी रिश्तेदारियां हैं, संबंध हैं, तो सब लोग पता कर लेते हैं किसका माहौल चल रहा है, और जिसकी हवा जिसका माहौल होता है ना, उसी के साथ जनता लग जाती है। सही बात कह रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और फरीदाबाद न्यूज़ चैनल भी घर घर देखा जाता है, तो आपका मैसेज भी घर घर तक पहुँच जाएगा। लेकिन एक प्रचार करना ही पड़ता है, घर घर जाना ही पड़ता है, वोट मांगना ही पड़ता है, क्योंकि सभी उम्मीदवार ऐसा करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो और कौन कौन से गांव में चले गए आप? मेरे सभी गांव में, जितने भी वार्ड में गांव हैं, उन सभी गांवों में कम से कम 2-2 बार डोर टू डोर हो चुका है। कम से कम चिन्ह कौन सा मांगा है आपने? वैसे तो 3 ऑप्शन दिए गए थे, आपने कौन सा मांगा है? मैंने उगता हुआ सूरज चुनाव चिन्ह मांगा है, और मेरा तो दूसरे प्रेफरेंस थी चुनाव चिन्ह की, वो था सिलेंडर, क्योंकि गृहिणी सब सिलेंडर यूज़ करती हैं, घर में सब यूज़ होता है। और तीसरा था मेरा ढाल तलवार, ठीक है, मैंने तीनों इन्होंने ऑप्शन पर क्लिक किया है। बाकी जो मिलेगा वो तो 14 तारीख को पता चलेगा। तो भाई साहब, पब्लिक से क्या अपील करना चाहेंगे? वैसे तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैंने एक ही बात कहनी है पब्लिक से, अगर मैंने उनके साथ कहीं भी सहयोग किया है, प्यार उनका, अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये कैंडिडेट उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो मुझे
प्यार दें, सम्मान करें और वोट रूपी आशीर्वाद दें अपना। पिंटू जी, आजकल फुल टाइम लीडर की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग अन्य प्रोफेशन में होते हैं तो समय नहीं दे पाते, कई बार पब्लिक के पास जो है पब्लिक के पास नहीं जा पाते, कई बार उनको फुल टाइम लीडर की ज़रूरत है। बाकी आप क्या करते हैं, पीछे और भी क्या काम करते हैं? हमारा जो काम है समाज सेवा का ही है। अच्छा, जो भी काम है फुल टाइम लीडर है। अच्छा, समाज सेवा का ही काम है और पूरे दिन गांव में रहते हैं, गांव में बीच में रहते हैं, कभी बीच में कोई काम होता है अपना छोटा मोटा कर लेते हैं, बाकी गांव में ही रहना है, गांव में ही रहते हैं, गांव में ही कार्यालय है, हम सब यहीं रहते हैं, मेरा पूरा परिवार यहीं रहता है, कोई भी आदमी हमारा बाहर नहीं रहता है, सब परिवार के और सारे ही सामाजिक व्यक्ति हैं। मैं ये नहीं कहता ये मैंने अकेले ने किया है, हमारे परिवार के सारे लोग समाज के रूप में जुड़े रहते हैं, चाहे वो हमारे भाई हों। हमारे एक भाई हैं सतपाल भाटी जी, वो हर वक्त समाज की सेवा में लगे रहते हैं, वो भी फुल टाइम हमारे साथ समाज के साथ लगे रहते हैं। तो यहाँ तो बहुत सारे लोगों को आपने इकट्ठा कर लिया है, तो क्या सबको लेकर जाते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए? ये तो अभी बहुत छोटी सी टीम है, अभी 10 गाड़ियाँ तो प्रचार में गई हुई है। मैंने नाम लिया था, सतपाल भाटी जी हैं, हमारे नरेश भाटी हैं भाई, और भी हमारे जितने भी गाँव के बहुत सारे लोग जिनको ये लग रहा है कि हमें हमारे बेटे को आशीर्वाद देना है, जिताना है, या हमारे भाई को जिताना है, वो तन मन धन से बिल्कुल मेरे साथ हैं। उनकी सबकी अपनी अपनी गाड़ियां हैं, मैंने किसी को गाड़ी भी नहीं दे रखी, कुछ एक दो गाड़ी मैंने ले रखी हैं, वो चल रही हैं, बाकी तो सबकी अपनी अपने, कोई अपने रिश्तेदारी में लेके जा रहा है, कोई कहीं लेके, जनता लड़ रही है मेरा चुनाव तो, और जनता ही मेरे चुनाव में प्रचार कर रही है। चलो, पहुँच रहा है भैया इनका मैसेज आपके पास, पहुँच रहा है समर्थन? बिल्कुल। चलो देखिए, ये नरावली गांव से है, नरावली गांव से है, तो आइए बातचीत करते हैं भाई साहब से। आप लोग रुकिए थोड़ा, एक मिनट बात करेंगे, साइड में आ जाओ भाई साहब। देखिए कोई पेड़ भीड़ नहीं है, भाई साहब रुक गए हमें देखकर, और गांव नरहावली से हैं, काफ़ी दूर है यहाँ से, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि हम भी समर्थन देंगे। तो चलो आप आओ भैया, आप आओ, आपसे भी बातचीत करेंगे, बाकी ताऊ वगैरह भी यहाँ पर हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। ताऊ नमस्कार, गांव से ही हैं? छाया से ही हैं। अच्छा, आप भी सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ जी, नरहावली का माहौल है? हाँ, बढ़िया माहौल है, बढ़िया माहौल है भैया है। अच्छा, आप नरहावली वाले गांव? मेरा गांव। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बनै सिंह मास्टर। अच्छा अच्छा, मैं भाई साहब के साथ मतलब वैसे नहीं जुड़ा हुआ हूँ कि मेरा संबंध इस प्रकार से है, भाई की सेवा बहुत अच्छी है, जब भी पुकारते हैं भाई बीच में मिलते हैं हमें हर गांव में। अच्छा, हमारे अटाली में चले जाओ, मौजपुर में चले जाओ, नरहावली में, छायसे में, हर जगह भाई साहब जुड़े हुए हैं। पर ये तो छायसा में रहते हैं, आप नरहावली गांव में ले? ये रहा हमारा नरहावली गांव। अच्छा, अगर एक खबर कर दी तो भाई साहब वहीं बीच में मिलते हैं हम, तो इससे बढ़िया टाइम लीडर है फिर तो। फुल टाइम लीडर है, फुल टाइम पूरे परिवार का समर्थन? हम परिवार नहीं जी, हो सकता है हमारे नरहावली गांव से 70% भाई साहब के साथ जो पूरा योगदान मिल रहा है। चलो अच्छी बात बता रहे हैं फिर तो, अच्छी बात बता रहे हैं। चलो, नरहावली गांव, साहूपुरा गांव से भी हैं यहाँ पर भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषि पंडित है। अच्छा, और कौन सा गांव? मैं साहूपुरा से बिलोंग करता हूँ, एंड ही इज माय चाइल्डहुड फ्रेंड बेसिकली, सो आई नो हिज बिहेवियर, हिज नेचर, हिज सपोर्ट टू सोसाइटी, सो दिस इज नॉट अबाउट व्हाट आई फील्स लाइक, दिस इज अबाउट व्हाट सोसाइटी फील्स। सोसाइटी नोज ईच एंड एवरीथिंग, सोसाइटी नोज every person's effects or like efforts to the society. This is not a game of 2 or 3 days ki ji main aaj aa gaya, see I am also in this race. A person is giving his efforts from last 3 years, to aisa nahi hai ki koi bhi aaj aake bol de sir main bhi race mein hu, meri bhi 50 gaadiyan 20 gaadiyan dikha ke road show karke I am also in this race. This is not like that, kyunki I am giving you an example. For last yesterday we were in Sajapur, so see there was a girl of 2 years or 2.5 years, right? तो वो नारे लगा रही थी, पिंटू भाटी जिंदाबाद, पिंटू, सी डोंट नो हु इज द पिंटू एक्चुअली, बट दिस इज द स्पिरिट द चाइल्ड्स आर हैविंग, दैट मीन्स देयर पेरेंट्स आर डिस्कसिंग एट देयर होम्स दैट दिस टाइम पिंटू वी हैव टू लाइक डिसाइड दैट पिंटू हैव टू विन दिस टाइम, सो दिस इज द स्पिरिट एवरीबडी इज हैविंग दिस डेज। सो मुझे जहाँ तक लगता है पर्सनली तौर पर, ऑल्सो सम ऑफ द कैंडिडेट्स आर डूइंग सम लाइक असामाजिक सोर्सों का वो साधन लेके लोगों को वोट के लिए, जो उनकी ग्रीड है कि शराब के थ्रू, पैसों के थ्रू वोट खरीद रहे हैं, दिस इज अननेचुरल बेसिकली, अनएथिकल बेसिकली। आप आज उनको थोड़े पैसे दे के या शराब दे के, यंगस्टर्स को एज वेल लाइक 22 साल के लड़के हैं या चाहे बड़े बूढ़े भी सही, उनको आप शराब दिए, पैसे दिए, आज आपने वोट ले ली, 4 दिन बाद क्या होगा सर जी? उनको हैबिट लग चुकी है फ्री का खाने की, फ्री का पीने की, उनकी फैमिली क्या करेंगी? तो मेरी ये पर्सनली रिक्वेस्ट भी है उन लोगों से कि ऐसा ना करें, फेयर अपना फाइट करें, एंड वी आर विद पिंटू ऑब्वियसली, सो आई एम हेयर फ्रॉम लास्ट लाइक
2 weeks and I will be till the organized. ठीक है, ठीक है, पढ़े लिखे आदमी है फिर भी लगे पड़े हैं और अपनी जॉब छोड़ के आए, मतलब हैं कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं जॉब। भाई साहब ताऊ जी सपोर्ट है आप लोगों का, देख रहे हैं इनके सपोर्ट में बहुत सारे लोग हैं। हालांकि ये कार्यालय है गाँव में, कैसा सपोर्ट है वो भाई साहब बता के जा रहे हैं। नरहावली गाँव वाले, उनका कहना है कि हमारे गांव वाले भी अधिकतर लोग इन्हीं का सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी चुनाव है 22 नवंबर को, नतीजे आएंगे 27 नवंबर को। अभी जनता को डिसाइड करना है फुल टाइम लीडर चाहिए या पार्ट टाइम लीडर। अगर फुल टाइम लीडर चुनते हैं, किसी को भी चुने, तो वो आपकी उम्मीदों को पूरा करेगा, दौड़ भाग कर लेगा, कहीं किसी से मिलना हुआ वहाँ जाएगा, प्रपोजल जो भी बनाने होंगे बनाकर भेजेगा, काम कराएगा। बहुत सारे पार्ट टाइम लीडर होते हैं तो पूरा टाइम नहीं दे पाते। भाई साहब का कहना है कि मैं तो 2-3 साल से दौड़ ही रहा हूँ पब्लिक की सेवा में, अभी देखते हैं पब्लिक इनकी सेवा को समझ पाती है। सेवा में तो मैं सर पिछले 10-15 साल से हूँ। अच्छा, सेवा में तो मेरा पूरा परिवार है, लेकिन जो चुनावी प्रक्रिया है पिछले 2-2.5 साल से मैं चुनावी प्रक्रिया में लगा हुआ हूँ। इस पद के लिए इस वार्ड से मुझे चुनाव लड़ना है, उस प्रक्रिया में मैं 2-2.5 साल से बिल्कुल लगा हूँ। और जब से लगा हुआ हूँ मैंने हर गांव में लगभग 4-4 बार, मतलब 5-5 बार मैं हर घर तक पहुँच चुका हूँ। अभी 2-4 दिन में कोई आके खड़ा हो जाए या कोई भी पर्सन है, आप जाके पूछोगे, हर बच्चा मुझे हर गाँव का लगभग बच्चा भी जानता होगा। ये मैं आपसे वैसे नहीं कह रहा, आप जाके खबर ले सकते हैं, आप न्यूज वाले हैं, देखो आप भी बिल्कुल, हमने भी देखा भाई साहब, आपने देखो हमने कैसे आवाज उठाई थी, काम हो गया जी, था जी, जी, 4 दिन में जी। तो आप हमेशा आवाज उठाते रहते हैं, हम भी देखते हैं, बाकी देखते हैं पब्लिक इनको किस तरह का आशीर्वाद देती है 22 नवंबर को, और 27 को नतीजे आएंगे, उसके बाद अगर इनकी विजय होती है तो फिर से बातचीत करेंगे। बाकी इनकी कैंपेन कैसे रहती है गाँव में वो भी आपको दिखाते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।